शहनशाह। हेलो फ्रेंड्स, मनी वाशी वन सेकेंड वीडियो। आज आपके सामने शहनशाह ऑफिशियल टीज़र लेके, ये बंगाली मूवी है और मेल लीड में है शाकिब खान और बांग्लादेश के ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जो व्यूअर्स नहीं जानते उनके बारे में, तो उनको बताना चाहूँगा कि शाकिब खान बहुत बड़े सुपरस्टार है बांग्लादेश के। इन्होंने कुछ इंडियन बंगाली मूवी में भी काम किया है, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे सजेशन दिए जाते हैं कि आप इनकी मूवी देखिए, इनके टीज़र देखिए। तो ये इनकी अपकमिंग मूवी है शहनशाह, इसका ऑफिशियल टीज़र जो है यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है अनलिमिटेड ऑडियो वीडियो चैनल पे, और काफ़ी लोगों ने लिखा कि आप ये देखिए, अपकमिंग मूवी है। सो चलिए देखते हैं ऑफिशियल टीज़र शहनशाह मूवी का, बंगाली मूवी है, देखते हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। Hello everyone. Welcome to death world of Shahenshah. इस तरह का ये टीजर हम लोगों के सामने रखा गया है, फुल ऑफ एक्शन ये मूवी होने वाली है। और स्टोरी लाइन यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल है, शायद ऐसा लग रहा है कि ये शहनशाह के रोल में हैं और इनके साथ अपने लोगों की टीम है, और रोमांटिक सीन भी देखने को मिले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनका डबल रोल भी यहाँ पे हो सकता है। शायद ये एक ओल्ड मैन के भी रूप में नज़र आए, शायद वो झलक दिख रही थी, शायद वो ये थे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इनका डबल रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर। और एक के बाद एक सीन आते चले गए, टीज़र है ये, अभी ट्रेलर भी आएगा हम लोगों के सामने, और 22 मार्च को ये मूवी हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर मैं शाकिब खान की परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो पूरे टीज़र में एक्शन सीन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है और एक्शन सीन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से इनकी एंट्री देखने को मिली हेलीकॉप्टर से, और जिस तरह से लोग खड़े हुए थे, जैसे कि टाइटल है यहाँ पर शहनशाह, तो बिल्कुल शहनशाह की तरह इनको यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी गुड लुकिंग है। और अब जो वेट है वो है मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी टीज़र में सिर्फ हमें सीन देखने को मिले हैं, शहनशाह के रोल में हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपके पास कोई भी अपडेट हो, क्या इनका डबल रोल है इस मूवी के अंदर, क्या ये अलग अलग पर्सनैलिटी के ये रोल जो हैं इस मूवी हमें देखने को मिलेंगे। ये एक तरफ रोमांटिक हीरो भी हैं, एक तरफ एक्शन एंग्री यंग मैन वाला भी इनका रोल है, और एक तरफ ये शायद एक ओल्ड मैन के गेटअप में भी थे। तो मुझे बताइएगा क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेट करते हैं, कुछ अपडेट्स आएंगे तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के सामने मैं जल्दी रखूं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं जब भी कोई भी शाकिब खान का कोई भी वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि शाकिब खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी मूवी के जो ट्रेलर टीज़र होते हैं उनको आप लोगों के सामने रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, राइट्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, चैनल को स्ट्राइक मिल सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए, कॉपीराइट ऑनर की तरफ से कुछ परमिशन मिल जाए, कई बार तो मुझे चांस लेना पड़ता है। तो इसी वजह से आप लोगों के जो सजेशन है मैं टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप वेट कीजिए, मेरी बातचीत जारी है। आने वाले टाइम में मुझे जैसी कुछ भी अपडेट मिलेगा तो वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों की तरफ से मुझे शहनशाह मूवी का ऑफिशियल टीज़र बताया गया है, आप लोगों के सामने रखा 25 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था, यानी कल, और मैं लेट नहीं हुआ, तो जल्दी मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सो आप देखिए कमेंट सेक्शन में अपने वर्ड ज़रूर दीजिएगा कि आपको शाकिब खान की यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी लगी, और कोई भी अपडेट हो इस मूवी से जुड़ा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा वीडियो है मेकिंग का वीडियो, तो प्लीज़ मुझे लिंक ज़रूर भेज
भेजिया आप भेजा करें ताकि मैं उसको देखूँ और लोगों के सामने भी रख सकूँ, ताकि पता चल सके कि जिस सुपरस्टार को हम देखते हैं उसके पीछे किस तरह की मेहनत की गई है उस काम को करने में। तो प्लीज़ मेकिंग का वीडियो भी हो तो प्लीज़ मेरे लिंक जरूर भेजें ताकि मैं लोगों के सामने रख सकूँ और हम मिलकर देखें कि हमारे सुपरस्टार कितनी मेहनत करते हैं। तो लास्ट में थैंक यू सो मच, अगर आपको आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रा, डिसलाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अपकमिंग मूवी के टीजर वगैरह, कुछ पुरानी मूवी के टीजर वगैरह, कुछ एक्शन सीन और सब मेरे साथ देखने के लिए। थैंक यू।